मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को कहा कि भरतपुर के दो युवकों के अपहरण एवं उन्हें कथित रूप से जलाने की घटना के आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही कहा कि सरकार पीड़ित परिवारों को तत्वरित न्याय दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाएगी और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने हरियाणा सरकार से इस मामले को और गंभीरता से लेने की भी अपील की। गहलोत ने बृहस्पतिवार को भरतपुर जिले के घाट मीका गांव के उन दो युवकों के परिवार के लोगों से मुलाकात की जिनका अपहरण करने के बाद हरियाणा में हत्या कर दी गई थी। मुख्यमंत्री ने दोनों मृत युवक जुनैद तथा नासिर की पत्नियों एवं बच्चों के लिए 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद गहलोत ने कहा, घटना इतनी हृदय विदारक है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जिस रूप में मारपीट की गई, जिस रूप में थाने ले जाया गया और थाने वालों ने उसे स्वीकार नहीं किया और आगे क्या हुआ किसी को नहीं मालूम कि किस प्रकार उनसे मारपीट हुई, किस तरह प्रकार जलाया गया। उन्होंने कहा, बहुत बड़ी घटना है और उसी रूप सरकार ने इसे लिया है। मैंने खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात की जिन्होंने इस घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने में मदद का आश्वासन दिया। इतने दिन बाद भी वो लोग नहीं पकड़े जा रहे हैं, इसलिए मैं इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री से अपील करना चाहूँगा कि वे इस घटना को और ज़्यादा गंभीरता से लें क्योंकि पूरे देश में इस घटना की चर्चा है। उन्होंने कहा कि बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करने तथा पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए दोनों राज्यों में पुलिस महानिदेशक स्तर पर भी लगातार बातचीत हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार दोनों युवकों की पत्नियों तथा बच्चों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। इसमें से 1-1 लाख रुपए की राशि नकद दी जाएगी जबकि 4-4 लाख रुपए की राशि की एफडी करवाई जाएगी। साथ ही सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि इन बच्चों को उचित शिक्षा उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को संबल देने के लिए राज्य सरकार द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि पीड़ित परिवारों को शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान द्वारा 5-5 लाख रुपए एवं पंचायत समिति पहाड़ी द्वारा 50-50 हज़ार रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जा चुकी है। साथ ही दोनों परिवारों को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत भी अंतरिम सहायता के रूप में 1,25,000 रुपये प्रति परिवार उपलब्ध करवाए जाएंगे जिसकी स्वीकृति जारी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर दोनों परिवारों को लाभ दिया जाएगा। गहलोत ने घाटमीका गांव में हेलीपैड के पास की गई अस्थायी व्यवस्था में जुनैद एवं नासिर के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री मृतक जुनैद के बच्चों से भी मिले। उनके साथ पर्यटन मंत्री शिक्षा राज्य मंत्री और स्थानीय विधायक जाहिदा खान, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्य सचिव उषा शर्मा और पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा भी थे। उल्लेखनीय है कि राजस्थान के भरतपुर जिले में पहाड़ी तहसील की घाट मीका गांव के रहने वाले नासिर 25 वर्षीय और जुनैद 35 वर्षीय को बुरी तरह जले शव हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू में जले हुए वाहन जीप में मिले थे। इन दोनों का एक दिन पहले 15 फरवरी को कथित गोरक्षकों ने अपहरण कर लिया था। राजस्थान पुलिस ने एक आरोपी रिंकू सैनी को 17 फरवरी को गिरफ्तार किया था। बाद में पुलिस ने युवकों के अपहरण तथा हत्या के मामले शामिल 8 और लोगों की पहचान की जिनकी इसमें संलिप्तता प्रमाणित हुई। सभी आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं। वहीं युवक जुनैद का मवेशी तस्करी का आपराधिक रिकॉर्ड था और उसके खिलाफ अलग अलग थानों में 5 मामले दर्ज थे।